नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम रोस्टिंग बैग बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसका लिया है लंबाई 14.5 इंच, ऐसे में लिया है हमने 15 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 14.5 इंच ऐसे में लंबाई था, हमने उस तरफ से जो है कि इसे फोल्ड कर दिया है और इस साइड से हम हल्का गोलाई दे देंगे। तो देखिए हमने इसमें गोलाई दे दिया है और फिर ये जो ऊपर वाला साइड है, यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लंबाई ऐसे में 6 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इसे हम ऐसे मिला देंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा कटिंग हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने ये पीस कटिंग किया, इसके सेम हमने इसी के साइज का ये जो है कि अस्तर के लिए हमने कटिंग कर दिया। इसमें हम लाइनिंग लगाएंगे और हमने ये सेम साइज का एक राइस का जो है कि बोरी हमने कटिंग कर लिया है। तो हम पहले इसे रखेंगे, फिर राइस वाले बोरी को रखेंगे, फिर जो अस्तर है अस्तर को रखेंगे और रख के हम इसे जो है कि चारों साइड से सिलाई कर देंगे। तो इसी तरह हम दोनों, एक ये पीस दूसरा ये पीस, हम तीनों को जो है कि अटैच कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे जो है कि सिलाई कर दिया है दोनों भाग को, ये वाला भी और ये वाला भी। हम ऐसे में देखिए इसका नाप लेंगे कि यहाँ पे हमारा ये आ रहा है 38 इंच। तो हम 38 इंच का एक स्ट्रिप कटिंग करेंगे, उसकी लंबाई रहेगी 38 और चौड़ाई रहेगी 6 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये एक ये वाला कपड़ा ले लिया, फिर हमने ये राइस बैग ले लिया है और ये हमने अस्तर के लिए ले लिया। हम तीनों को क्या करेंगे कि अटैच कर देंगे। तो अटैच कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्ट्रिप को जो है कि अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये एक भाग लेंगे इसमें का, और इसमें हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे में हम पूरे राउंड में इसमें हम ऐसे सिलाई लगा देंगे, इस साइड छोड़ के हम मतलब यहाँ से चालू करेंगे, पूरे में लगा देंगे इस मतलब जो स्ट्रिप है इसे अटैच कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसे जो है कि स्ट्रिप को अटैच कर दिया है। अब हम ये दूसरा जो है कि स्ट्रिप लेंगे, इसे हम इस तरह से पकड़ते हुए इसे भी हम ऐसे में पूरे में इस स्ट्रिप के साथ में अटैच कर देंगे। तो हम कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे ज्वाइंट कर दिया। ये अंदर से देखिए हमारा कितना स्पेस है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये ऐसा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम इसमें किसी भी मतलब वेस्टेज कपड़े का, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, हम इसी का इस तरह से इसमें पाइपिंग बना देंगे। इसे हम इसे पूरा सिल देंगे। सिलने के बाद हम इसे ऐसे पलट के मोड़ के हम इस साइड से ऐसे में मतलब पूरे में जो है कि पाइपिंग बना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड से पाइपिंग बना दिया। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दो स्ट्रिप लिया है, इसकी ऐसे में डबल में मतलब यानी कि 20 इंच इसका लंबाई हमने इसे डबल में किया है, 10 आ रहा है। इसका चौड़ाई 3.5 इंच है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसे ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करके हम इसे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा स्ट्रिप हो जाएगा टांगने के लिए। तो दोनों को हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये स्ट्रिप को सिलाई कर दिया है। अब हम इसे ऐसे में एक यहाँ पे और दूसरा हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसी तरह से दोनों को हम अटैच कर देंगे, एक इस साइड भी और दूसरा इस साइड। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दो स्ट्रिप लिया है, इसकी लंबाई है 16 इंच, इसकी चौड़ाई है 9 इंच। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से मतलब 1 इंच 1.5 इंच जो है कि सिलाई छोड़ देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इस साइड भी और इस साइड भी। तो लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस साइड भी सिलाई लगा दिया और इस साइड भी। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम ऐसे मोड़ेंगे, और ऐसे मोड़ने के बाद हम इसे थोड़ा मोड़ेंगे और फिर इस तरह से हम इसे मोड़ देंगे। इसे भी हम फिर इस तरह से मोड़ेंगे, थोड़ा ऐसे मोड़ेंगे और फिर हम इसे भी इस तरह से मोड़ देंगे। तो ये हमारा इस तरह से हो जाए, ये हमारा स्टेयरिंग लगाने के लिए हो जाएगा। और ऐसे ही हमें पूरे राउंड में सिलाई कर देना, और इस साइड भी हमें इसी की तरह जो है कि बना देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों साइड से जो है कि इस तरह से बना दिया है।
अब देखिए हम जो इसे सिलाई किए थे, हमारा ये जो बैग वाला भाग है ऊपर वाला, उसमें हम ऐसे इसमें डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें इसे डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे पकड़ते हुए पूरे राउंड में जो है कि सिलाई लगाएंगे। ये हमारा उल्टे में ही रहेगा तो हम सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें सिलाई लगा दी। अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे सीधा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसे ऐसे बराबर करते हुए हमें इसके ऊपर में ऐसे ही सिलाई लगाना है, इसको अंदर के साइड करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें सिलाई लगा दिया है और इसमें अब हम नोट लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दोनों नोट जो है कि तैयार किया है, हम एक इस साइड में और एक इस साइड में डाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने इसमें नोट लगा दिया है, हमारा इस तरह से रहेगा। और हम इसमें कुछ भी सामान अंदर रख सकते हैं। सामान रखने के बाद हम इसे ऐसे इस तरह से टाइट कर देंगे तरफ से, और ये हमारा अंदर के साइड हो जाएगा। अगर आप लोग को यह बैग वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।